तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला कल यानी कि 6 अगस्त को खेला गया था। और इस दूसरे T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को 2 विकेट से शर्मनाक हार थमा दी। इससे पहले टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में 4 रन से हार गई थी, और अब लगातार दूसरी हार मिलने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा फूटा है और बल्लेबाजों की क्लास लगा दी है। तो क्या कुछ कहा है हार्दिक पांड्या ने इस शर्मनाक हार के बाद, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है हार्दिक पांड्या ने इस शर्मनाक हार के बाद। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कैसे वेस्ट इंडीज एक हारा हुआ मुकाबला जीत गई और कैसे टीम इंडिया एक जीता हुआ मुकाबला हार गई, क्योंकि एक टाइम पर 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, वहां से टीम इंडिया मुकाबला जीत सकती थी क्योंकि 2 ही विकेट गिराने थे टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया एक जीता हुआ मुकाबला हार गई और वेस्टइंडीज ने एक हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। कैसे जीता चलिए आपको बताते हैं। तो टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और टीम इंडिया ने जड़े 152 रन 7 विकेट पर 20 ओवर में। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहला झटका बहुत जल्दी लग गया था, 7 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें ईशान किशन की तो ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए, 27 रन बनाए, 23 गेंदें ली, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी अनलकी रहे, रन आउट हो गए और ईशान किशन की कॉल पर ही आउट हो गए वो, यानी कि टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, चाहे ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो और कुमार यादव हो, टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। उसके बाद पारी को संभाला तिलक वर्मा ने, शानदार 51 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 41 गेंदें ली, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद संजू सैमसंग भी कुछ खास नहीं कर पाए, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं संजू सैमसंग भी, पहले T20 मुकाबले में भी सिर्फ 12 में 12 बनाए थे, रन आउट हो गए थे, अनलकी रहे थे, और अब दूसरे T20 मुकाबले में भी सिर्फ 7 रन बनाए, 7 गेंदें ली, 1 चौका लगाया। उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने जरूर 24 रन की पारी खेली, 18 गेंदें ली, 2 छक्के लगाए, लेकिन हार्दिक पांड्या वहां आउट हो गए जहां टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि लास्ट के ओवरों में हार्दिक पांड्या ने अपना विकेट गवा दिया। उसके बाद बात करें अक्षर पटेल की तो 14 रन बनाए, 12 गेंदें ली, और उसके बाद हर्षदीप सिंह ने 6 रन बनाए, 3 गेंदें ली, 1 चौका लगाया, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 152 रन बनाए 7 विकेट पर 20 ओवर में। और जब वेस्टइंडीज की टीम 153 रन का लक्ष्य चेस करने उतरी तो वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी, 2 विकेट बैक टू बैक लग गए थे हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में ब्रेंडन किंग और उसके बाद जॉनसन चार्ल्स को आउट कर दिया था, यानी कि 2 विकेट पहले ही ओवर में हो गए थे। लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने पारी को संभाला, निकोलस पूरन की बात करें तो 67 रन की पारी खेली, 40 गेंदें ली, 6 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के भी लगाए। उसके बाद रोमन पॉवल ने उनका साथ दिया, 21 रन बनाए, 19 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका लगाया। उसके बाद सिमरन हेटमायर ने 22 रन की पारी खेली, 22 गेंदें ली, 1 छक्का और 1 चौका लगाया। लेकिन टीम इंडिया के पास ये दूसरा T20 मुकाबला जीतने का मौका था क्योंकि वेस्टइंडीज के 129 रन पर 8 विकेट गिर गए थे, 24 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, वहां से टीम इंडिया को सिर्फ 2 विकेट चटकाने थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की एक गलती से टीम इंडिया पूरा मुकाबला हार गई। हार्दिक पांड्या ने युजी चहल को ओवर नहीं दिया, हार्दिक पांड्या ने युजी चहल से 4th ओवर नहीं करवाया, उससे पहले युजी चहल के 3rd ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट गिरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने युजी चहल को 4th ओवर नहीं डलवाया और वहां से 24 रन चाहिए थे वेस्टइंडीज को 24 गेंदों में, जो आसानी से वेस्टइंडीज की टीम ने बना लिया। अलजारी जोसेफ की बात करें तो 8 गेंदों में 10 रन बनाए और अकील हुसैन ने 10 गेंदों में 16 रन बनाए और आखिरी 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, वहां पर भी हार्दिक पांड्या ने युजी चहल को ओवर ना देकर मुकेश कुमार को ओवर दिया और 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही वेस्टइंडीज की टीम ने जीत हासिल कर ली और टीम इंडिया को एक और करारी हार थमा दी। हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा फूटा और जमकर क्लास लगाई। हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम लगातार गलती करते चले जा रहे हैं, हालांकि युवा टीम है, गलती करेगी, लेकिन लगातार गलती करना भी सही नहीं होता है। हम पहले मुकाबले में भी वही गलती की थी, हमने बैक टू बैक विकेट खोते रहे थे, हमने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की थी और हम दूसरे T20 मुकाबले में भी हमने वही गलती की है, लगातार विकेट खोते रहे हैं, हमने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो गए हों, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर शुभमन गिल या फिर संजू सैमसंग हो, लगातार हम विकेट्स खोते रहे, यही कारण रहा कि हमने सिर्फ 152 रन ही बनाए, जबकि हम इससे ज्यादा रन बना सकते थे, विकेट भी अच्छा खेल रहा था लेकिन हम सिर्फ 152 रन ही बना पाए, यही कारण रहा कि वेस्टइंडीज ने ये रन जो है आसानी से चेस कर लिए हैं और हमारी जो बल्लेबाजी है उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिसने जैसा हमने प्लान किया था। तो हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा फूटा और कई खिलाड़ियों को आड़े हाथ लिया। आप क्या सोचते हैं किस कारण से टीम इंडिया दूसरा T20 मुकाबला हारी, वो भी उस टीम से जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लगातार 2 T20 मुकाबले टीम इंडिया हार चुकी है 5 मैचों की T20 सीरीज में
और टीम इंडिया 2-0 से पिछड़ चुकी है सीरीज में, क्या है कारण, कौन है जिम्मेदार इस हार का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।